नहीं, वो वाला नहीं। ये लीजिए आपके पास। पालक ले लो, पालक ले लो, पालक ले लो। से फ्री का माल समझा है का? पता नहीं आजकल सब्जी कितनी महंगी है। अभी हट यहाँ से, हट। अरे सामने देखो, मेरा नाम लड्डू सिंह है और मेरी डिक्शनरी में भागना वर्ड नहीं है। भागना वर्ड मिल गया। पेड़ा राम, अपनी डिक्शनरी में भागना वर्ड जल्दी से लिख लो। भागो, वरना जिंदगी में कभी भाग नहीं पाएंगे। अब हिम्मत है तो मार के दिखाओ। आई, तुमको क्या लगता है कि मैं डर के भाग जाऊंगा? डर कर भागने का शब्द मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। अरे ये तो नहा धो के मेरे पीछे पड़ गया। लड्डू सिंह जी, मैं अभी आता हूँ। लड्डू सिंह जी, क्या हुआ? एक बैल अपना आपा खो बैठा है। वो देखिए, वो इधर ही आ रहा है। अपने जवानी के दिन याद करिए और जितनी तेजी भाग सकते हैं भागिए। नाना जी,
बुल मेरे पीछे पड़ा है, उसे पकड़ने का मेरे पास एक प्लान है। यस यस, ओके ओके शिवा, ठीक है, तुम घर के पीछे वाली लेन में उसे लेकर आओ, हम तैयारी करके रखते हैं। छोड़िए सर, जल्दी से नीचे चलिए। भागो, 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 जल्दी भागो, मैं आगे भागो। भागो, बैल आ रहा है, भागो, भागो। जानवर आग से डरते हैं, क्यों ना हम ढेर सारे मशाल लेकर उसे डरा के शहर से बाहर भगा दें। वेरी गुड आइडिया, तुम लोग तैयारी करो, मैं इस बच्चे को इसकी मम्मी के पास छोड़कर आता हूँ। थैंक यू शिवा, थैंक यू।
अरे रे 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 रे। नाना जी क्या कर रहे हो? भागो, देखो वो बैल सामने ही है। अब की बार इसे राग शांति बैला सुनाता हूँ। रुक जा बैला, ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है, अब हमें भागना होगा। नाना जी चलिए भागिए भागिए। नाना जी भागिए। लड्डू सिंह जी कुछ करिए प्लीज। नाना जी अब जल्दी से राग बरसात गाइए, पानी बरसेगा और आग बुझ जाएगी। आग बुझाओ, आग बुझाओ, जल्दी से आग बुझाओ। अरे बहुत गर्म हो रहा है, बहुत गर्म हो रहा है। बाहर से गर्म बुलवाओ, मेरे पिछाड़े से आग बुझवाओ। आइडिया। मैं घर चला, आज शॉपिंग करने का दिन नहीं है। लड्डू सिंह जी, उस बुल ने मेरी गाड़ी तोड़ दी। और मेरा स्कूटर तोड़ डाला। और मेरी दुकान का शटर तोड़ दिया। ओए लड्डू सिंह जी, आप लोग कुछ करते क्यों नहीं? ऐसे तो वो एक ही दिन में पूरा शहर उजाड़ देगा। अरे हजराना कौन भरेगा? हरजाना कौन भरेगा? अरे उसने मेरी हड्डी पसली तोड़ दी है और तुम्हें हर जाने की पड़ी है। हम कोशिश कर रहे हैं, वो पकड़ा जाएगा, जल्दी पकड़ा जाएगा, समझे? लड्डू सिंह जी, मैं उसे शहर से बाहर मैदान में ले जा रहा हूँ। आप लोग रस्सियाँ लेकर आइए और उसे रस्सी के फंदों में अटका के बांध दीजिए। कई लोग एक साथ रस्सी बांध के खींचेंगे तो वो पकड़ा जाएगा। ओके शिवा, मैंने कमांडो ट्रेनिंग में रस्सी का फंदा बनाना सीखा था। हाँ, मैं अभी सबको लेकर आता हूँ। दोस्तों, उस बैल ने तुम सबका बहुत नुकसान किया है, चलो कौन मेरे साथ उसे पकड़ने चलेगा? हाँ, आज मौका है अपनी बहादुरी दिखाने का। आ जाओ, आओ। अरे आओ बोला, जाओ नहीं। बहादुर इंस्पेक्टर है,
यहाँ से 50-50 किलोमीटर मिलोमीटर आई, मुझे यहाँ जान की पड़ी है और तुम्हें किलोमीटर की पड़ी है आई। अरे मुझे पागल डॉगी ने काटा है जो मैं जानबूझकर फिर से मुसीबत वापस बुलाऊं। आई हाँ शिवा, लेकिन इस बार तो उसने नाक में दब कर दिया है। अब की बार बाहर निकला तो पता नहीं क्या करेगा। उसे वहीं रहने दो शिवा, हमारी सेहत के लिए यही फायदेमंद है। नहीं, हमें उसे बाहर निकालना ही होगा। हम किसी भी जानवर को ऐसे डूबने नहीं दे सकते। सोचो अगर उसकी जगह आप वहाँ होते तो कैसा लगता। चलो रस्सियाँ डालो। अरे ये शिवा ही मेरे लिए हर मुसीबत की जड़ है। पता नहीं अब की बार भूल निकला तो मेरा क्या हाल होगा। लड्डू सिंह जी, फोन लगाइए। अरे लगा तो रहा हूँ, वो भूल ही इतना भारी है। सब लोग एक साथ खींचो। कोशिश करने से कोई फायदा नहीं है, ये बुल अब बाहर नहीं निकल सकता। कोशिश कभी बेकार नहीं होती, हम इसे यहाँ नहीं छोड़ सकते चाहे कुछ भी हो जाए। तुम लोग हर रस्सी के दूसरे छोर को मेरी साइकिल से बांधो। मुझे नहीं मालूम कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो, लेकिन अब तो गुस्सा थूक दो। देखो हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। चलो अच्छा हुआ कि बैल महाराज शांत हो गए। शांत एड़ा राम, शांत तो होना ही पड़ेगा। मेरे इलाके में, लड्डू सिंह के इलाके में अच्छे अच्छों की गर्मी निकल जाती है। अरे मजाक कर रहा था, इतनी मार खाई है, थोड़ा मजाक का तो हक बनता है ना। क्यों आई। कोई बात नहीं, जो करना है कर लो, बस गुस्सा नहीं करना है। शिवा थैंक यू वेरी मच, तुमने हमें ही नहीं बचाया बल्कि इसे बचा के बहुत बड़ा काम किया है।